हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ग्रीन सोच। इन दिनों मिलेट्स यानी मोटा अनाज बहुत चर्चा में है। खुशी की बात यह है कि भारत में नहीं अपितु विदेशों में भी जो है लोग इनमें दिलचस्पी ले रहे हैं। आहार और पोषण विशेषज्ञ तो इसकी खूबियों से इतने प्रभावित हैं कि उन्होंने इसे सुपर फूड के रूप में मान्यता दे दी है। भारत की मेजबानी में G20 शिखर सम्मेलन के भोज में मिलेट की महत्ता जग प्रसिद्ध हो चुकी है और आजकल ये जो है ढाबे से लेकर 5-स्टार होटलों तक बड़ी आसानी से इसके व्यंजन मिल जा रहे हैं। मुझे भी जब मिलेट्स के पोषण तत्वों के बारे में मालूम पड़ा कि ये गेहूं और चावल से कहीं बेहतर है, वो इसके न्यूट्रिशन चार्ट से भी मालूम पड़ जाता है कि इसमें फाइबर, प्रोटीन, मिनरल व जो है विटामिंस जो है भरपूर मात्रा में, इनका कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशियो भी बहुत कम है। तो इसे मैंने अपने जो है रसोई में जो है यूज़ करना शुरू कर दिया। ये सही है कि हम मिलेट्स के स्वाद के यूज़ टू नहीं है, वह गेहूं और चावल के मुलायम जायके की तुलना में मिलेट्स का स्वाद जो है जमान पर चढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है, परंतु यह बहुत से लोगों की यह धारणा है। जो लोग मिलेट्स के बारे में नहीं जानते हैं, वह बनाना भी नहीं जानते हैं, उनके मन में यह धारणा बैठी हुई है कि मिलेट्स के बने व्यंजन जो है वो बेस्वाद होते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। और ये मिलेट जो है इसके उपवाद हैं। मिलेट से आप पारंपरिक व्यंजनों के अलावा जो है स्वाद से भरपूर बहुत सी रेसिपीज बना सकते हैं। बस ज़रूरत है थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने की। मैं जो है कोदो, सावा, कुटकी, कंगनी व हरी कंगनी से नए व्यंजन बनाती हूँ। जिस तरह से मैं गेहूँ और चावल के व्यंजन बनाती हूँ, उसी तरह से मैं थोड़ा सा ट्विस्ट देकर उसमें गेहूँ और चावल की जगह जो है मिलेट्स का उपयोग अपने अंदाज में करती हूँ। और मैं केवल ये जो है केवल यहीं तक सीमित नहीं है, मैं मिलेट्स की अच्छाइयाँ व रेसिपीज से कुछ से जो है अपने फ्रेंड्स हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, वह यूट्यूब के जरिए साझा करती हूँ। कोदो, सावा, कुटकी, कंगनी व हरी कंगनी इंडिया मार्ट पर आसानी से मिल जाते हैं ऑनलाइन। आप इन्हें वहां से मंगा सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं। सबसे पहले हम सावा मिलेट की गोली इडली बनाएंगे। ये एक सुपर सॉफ्ट यूनिक ब्रेकफास्ट रेसिपी है और दक्षिण भारत में इसे जो है चावल के आटे से बनाते हैं और विनायक चतुर्थी के मौके पर बनाते हैं व अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। सावा की गोली इडली बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी सावा के चावल को कई बार पानी से धोकर 6-7 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। सुबह मिक्सी जार में पीस लें। पैन में 1 चम्मच घी डालें व 1 चम्मच नमक डालकर सावा के पिसे हुए घोल को गाढ़ा होने तक चलाएंगे। अब हम इनको 5 मिनट तक ढककर रख देंगे और जब सहने लायक उतना गर्म हो तब इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर अच्छे से मैश करेंगे जब तक कि एक स्मूथ डफ ना बन जाए व फिर हाथ में तेल लगाकर छोटी छोटी गोलियां बनाकर स्टीम बास्केट में रख देंगे। अब एक कढ़ाई में पानी में उबाल आने पर स्टीम बास्केट रख कर ढक देंगे व करीब 10 से 15 मिनट तक परफेक्टली कुक होने तक पकाएंगे। सॉफ्ट गोली इडली तैयार है। अब एक पैन में घी डालकर मस्टर्ड सीड डालेंगे। स्प्लिटर होने के बाद 1 टीस्पून उड़द दाल, 1 टीस्पून चना दाल, बारीक कटी हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक का पीस ग्रेटेड और कड़ी पत्ता डालकर अच्छे से चलाएंगे। एक चम्मच सफ़ेद तिल डालकर अच्छे से चलाएंगे। वह इसमें अब स्टीम्ड इडली डालकर अच्छे से चलाएंगे। ऊपर से हरी धनिया डालेंगे वो अच्छे से चलाएंगे।
तो इस तरह आपकी सॉफ्ट फ्लफी गोली इडली तैयार है। पचाने में हल्का, खाने में मज़ेदार। इस बार होली पर ये नई डिश जरूर बनाकर खुद भी खाएं व मेहमानों को भी खिलाएं, सब आपकी तारीफ करेंगे। आपने सूजी के, बेसन के और इसके अलावा आटे के, क्या मेवों के लड्डू खाएंगे, लेकिन आज हम फॉक्सटेल मिलेट के लड्डू बनाएंगे। ये जो है स्वादिष्ट होने के साथ साथ इसमें प्रोटीन, मिनरल, फाइबर तो होता ही है, फैट भी कम होता है, और ये जो है डायबिटिक लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है, उसको बनाना भी बहुत आसान है। कंगनी के स्वादिष्ट लड्डू बनाने के लिए 1 कटोरी कंगनी के चावल को पानी में अच्छी तरह से धोकर 6 घंटे के लिए भिगो देंगे। फिर इसको छन्नी में छान कर 1 सूखे कपड़े पर सुखा देंगे। अब एक कढ़ाई में घी गरम करके उसमें 1 कटोरी मखाना डालकर कुरकुरे होने तक अच्छी तरह भूनेंगे व एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर 1 बड़े चम्मच घी डालकर उसमें सूखे मेवे, किशमिश, गरी का चूरा है, बादाम है, काजू है, छुआरा है, सब डालकर अच्छी तरह भून लेंगे। वैसे भी एक वह अब हम जो है मखाने को जो है मिक्सी जार में बारीक पीस लेंगे व ड्राई फ्रूट्स को जो है अच्छी तरह भुनने के बाद एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। एक बड़ा चम्मच घी डालेंगे और उसमें जो है हम कंगनी को अच्छी तरह भूनेंगे जब तक एक बढ़िया सी खुशबू ना आ जाए व उसका रंग थोड़ा सा हल्का ब्राउन ना हो जाए। इसमें 3-4 इलायची के दाने भी डाल देंगे। अब ड्राई फ्रूट वाले बाउल में पिसे हुए मखाने का पाउडर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब भुनी हुई कंगनी को भी मिक्सी जार में बारीक पाउडर की तरह पीस लेंगे और कंगनी पाउडर को भी मिक्सचर में मिलाकर इसमें 2 चम्मच शहद डालकर अच्छे से मिलाएंगे वह इसके गोल गोल लड्डू बना लेंगे। कंगनी में प्रचुर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स पाए जाते हैं वह फैट भी कम होता है। यह लड्डू स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी होते हैं, आप इसे कभी भी खा सकते हैं। तो इस यमी डिश को इस होली पर जरूर से बनाएं, खुद भी खाएं व मेहमानों को खिलाएं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सकें। फिर मिलेंगे, नमस्कार। सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं।